मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र का है। दिनांक 29 जुलाई 2021 को रात के 9 बजे कटिहार नगर निगम शिवराज पासवान और शिवा पासवान को अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के निरीक्षण में घटनास्थल संतोषी चौक के करीब 200 मीटर पूर्व रेलवे क्वार्टर नंबर 830 के आगे घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल का मैगजीन जिसमें 4 गोली लोडेड बरामद हुआ। एक गोली बुलेट का अग्रभाग जब्त किया गया है। साथ ही संतोषी चौक स्थित रेलवे लाइन के बीच ट्रैक पर से एक देसी पिस्टल जिसके बैरल में एक खोखा फंसा हुआ तथा एक देसी लोडेड कट्टा भी बरामद किया गया जो अपराधियों के पलायन के समय गिरा हुआ पाया गया। जब तक विभाग की जब्ती सूची बनाकर इस कांड का प्रदर्शन बनाया गया। अनुसंधान के क्रम में प्रथम दृष्टि यह बात प्रकाश में आई कि इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त मनीषा श्रीवास्तव के द्वारा मृतक शिवराज पासवान और शिवा पासवान को बुलाया गया था और अन्य प्राथमिकी अभियुक्त तथा अज्ञात के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शिवराज पासवान पर जान मारने की नियत से घात लगाकर फायर किया गया। इस कांड के प्राथमिकी के 4 नामजद अभियुक्त पिंटू पासवान, शुभम पासवान, मनीषा श्रीवास्तव और कुमकुम देवी को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी कटिहार एसपी विकास कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। कटिहार से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हत्याकांड में क्या अपडेट है अब तक? दिनांक 29/7/21 को निवर्तमान मेयर श्री शिवराज पासवान की लगभग रात्रि 8:30 से 9 बजे के बीच हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में नगर थाना में साजिशन हत्या का एक प्राथमिकी 11 नामजद अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। घटना के बाद घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में अपराधियों के द्वारा प्रयोग में लाया हुआ पिस्टल का एक मैगजीन जिसमें 4 गोली भरी हुई थी, कुछ खोखा और फायर किए हुए गोली का अग्रभाग तथा उससे कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास जहां से अपराध कर्मियों के भागने की बात स्थापित हुई वहां से एक लोडेड देसी कट्टा और एक देसी पिस्तौल जिसका मैगजीन घटनास्थल पर गिरा हुआ था वो बरामद किया गया। साथ ही पलायन की दिशा से अपराध कर्मियों में से 2 अपराध कर्मी का मोटरसाइकिल और 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जब्त की गई, जिसकी जांच की जा रही। अनुसंधान के क्रम में ये बात आई प्रकाश में कि घटना के दिन निवर्तमान मेयर श्री शिवराज पासवान को प्राथमिकी के एक अभियुक्त द्वारा बुलाया गया था जहां पूर्व से घात लगाकर प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्त हथियार से लैस होकर थे और उनके द्वारा साजिशन उनकी हत्या की गई, अंधाधुंध फायरिंग किया गया जिसमें उनको 3 गोली लगी और इलाज के क्रम में ले जाने के क्रम में सदर कटिहार मेडिकल कॉलेज में उनकी मृत्यु हुई। इस संदर्भ में घटना के बाद घटनास्थल की बैलिस्टिक जांच एक्सपर्ट के द्वारा FSL भागलपुर के एक्सपर्ट के द्वारा की गई है और जो भी प्रदर्श हैं अग्नेयास्त्र या फिर जिंदा कारतूस या फिर फायर किए हुए गोली का अग्रभाग उसकी जांच कराई जा रही है, फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही इस कांड में 11 जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से प्राथमिकी 4 अभियुक्त को घटना के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में जिसमें 2 पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान तथा अन्य कई थानाध्यक्ष हैं जो लगातार जिला में और जिला के बाहर जहां जहां संभावित छिपने का स्थान है वहां छापामारी कर रहे हैं और उस क्रम में एक अन्य प्राथमिकी अभियुक्त शुभम उर्फ कार्य पासवान को सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से 4 अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके द्वारा अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की गई है और CCTV फुटेज में भी उनमें से 1-2 अपराधकर्मी का भागने का साक्ष्य भी प्राप्त है। तो उस दृष्टिकोण से उनसे
हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकार अभी तक इस कांड में कुल 5 प्राथमिकी अभियुक्त और 4 अप्राथमिकी 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है। जहां तक घटना के कारण का प्रश्न है तो घटना के कारण के सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और साक्ष्य जुटाया जा रहा है। साक्ष्यानुसार इस संबंध में आगे आप लोगों को बताया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की।